Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel, and today we will discuss about principle of inheritance and variation. This is the fifth chapter of NCERT. तो इसमें इस चैप्टर में हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं वो कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल. ठीक है, तो जेनेटिक्स के जो फादर हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उनका नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है टर्म जेनेटिक. तो जो जेनेटिक्स का टर्म है वो किसने दिया था? बेटसन ने. ठीक है, उसके बाद फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स गिवन बाय थॉमस हेनरी मॉर्गन. मतलब जो एक्सपेरिमेंट किया था जेनेटिक्स के लिए, तो उसके फादर कौन कहे जाते हैं? थॉमस हेनरी मॉर्गन. ठीक है, या फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में ये भी बोल सकते हैं टीएच मॉर्गन. ओके, क्या बोल सकते हैं? टीएच मॉर्गन. उसके बाद देखिए, मैंने दे रखा है कि सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन. तो जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो ये जो डेफिनेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है जेनेटिक्स क्या होता है. तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. मतलब जब आप बायोलॉजी के अंदर जो हेरिडिटी एंड वेरिएशन के लिए स्टडी करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स. ठीक है, क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स. उसके बाद आ जाते हैं, आप देखिए हेरिडिटी एंड वेरिएशन ये न्यू वर्ड्स हैं, तो इनके बारे में ये क्या होते हैं? तो ये देखिए लिखा हुआ है, तो हेरिडिटी हेडिंग पड़ी है, तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है हेरिडिटी. ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्ट्रिंग. मतलब जो कैरेक्टर होते हैं पेरेंट्स के, वो जब ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हेरिडिटी. ठीक है, तो हेरिडिटी को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? अनुवांशिकी. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता. और हेरिडिटी को अनुवांशिकी. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं वेरिएशन. ठीक है, तो पहले हमने हेरिडिटी क्लियर कर दिया, देन आफ्टर वेरिएशन क्लियर करते हैं. ठीक है, तो वेरिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिफरेंस इन द प्रोजेनी. जो मतलब जो न्यू प्रोजेनी आया हुआ है, ठीक है, तो उसमें जो भी डिफरेंसेज हैं, जो भी न्यू कैरेक्टर आए हुए हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? वेरिएशन. मतलब जो चेंजमेंट हो रहा है, जो पेरेंट्स में कैरेक्टर है वैसे उसमें कुछ चेंजमेंट आए प्रोजेनी में, उनके प्रोजेनी में कुछ चेंजमेंट आए, तो उसे क्या बोलते हैं? वेरिएशन. ठीक है, जो कि उनके पेरेंट्स में ना हुए हों. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टर्म यूज इन जेनेटिक. कुछ टर्म होते हैं जो कि आपको जेनेटिक्स में यूज किए जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपको फिनोटाइप है. ठीक है, देखिए फिनोटाइप क्या होता है. तो फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जो फिजिकल जो आपके फिजिकल चेंजमेंट होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसके बारे में आप जब स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? फिनोटाइप. क्या बोलते हैं? फिनोटाइप. जब फिजिकल चेंजेस आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? फिनोटाइप. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, टॉल, ड्वार्फ, रेड, व्हाइट. जैसे कि कोई भी पीपल्स है, ठीक है, तो वो टॉल भी होते हैं, ड्वार्फ भी होते हैं, और कुछ मतलब जैसे फ्लावर्स में रेड होते हैं, व्हाइट कलर होता है. ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट उनका पर्टिकुलर दिखाई देते हैं ना, ये कैरेक्टर टॉल है कि ड्वार्फ है कि रेड है कि व्हाइट है. ठीक है, तो जो फिजिकल अपीयरेंस में चेंजमेंट आ रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? फिनोटाइप. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. तो जो जीनोटाइप देखिए दे रखा है, तो जेनेटिक अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जो आप जेनेटिक फिजिकल मीन्स जो हम लोग को दिख रहे हैं. ठीक है, तो और जेनेटिक मीन्स जो अंदर से होंगे चेंजमेंट, उसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक. मतलब जेनेटिक ऑर्गेनिज्म में जो चेंजमेंट आएंगे उन्हें क्या बोलते हैं? जीनोटाइप. ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे कि ये देखिए कुछ साइन दे रखे हैं. ठीक है, तो ये पेयर्ड में कैपिटल टी कैपिटल टी, तो इसे क्या बोला गया? टॉल. ठीक है, उसके बाद स्मॉल टी दे रखा है, तो इसे क्या बोला गया? ड्वार्फ. ठीक है, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर दे रखा है, तो इसे मिक्स को क्या बोला गया? पिंक. ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर हैं, मतलब ये तो हमारे फिजिकल अपीयरेंस हो गए कि ये टॉल है कि ये ड्वार्फ है कि ये पिंक है. ठीक है, ये फिजिकल अपीयरेंस हो गए. अब ये जो ऊपर वाले ऊपर देखिए साइन वाइज दिखा हुआ है, तो ये क्या है? जेनेटिक. मतलब ये दिखाई नहीं दे रहा कि कैपिटल टी कि स्मॉल टी है. ठीक है, तो ये हो गया क्या? जेनेटिक. राइट, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है डोमिनेंट. अब डोमिनेंट क्या होता है? इम्पोर्टेंट है. देखिए, वन हु एक्सप्रेस इटसेल्फ. जो भी कैरेक्टर आपको, मतलब जो भी कैरेक्टर फ्रंट में दिखाई देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डोमिनेंट. ठीक है, उसके बाद रिसेसिव देख लेते हैं. वन हु डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ. जो भी कैरेक्टर आपको दिखाई नहीं देते, मतलब जो डोमिनेंट के कारण छिप जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? रिसेसिव. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इस पूरे कैरेक्टर को क्या बोलेंगे?
ये पूरा मिक्स वाला कैरेक्टर है जिसमें कि ये क्या है डोमिनेंट और ये क्या है रिसेसिव। ठीक है, तो डोमिनेंट के कारण जो रिसेसिव है वो हिडन हो जाता है, ठीक है, मतलब छिप जाता है। ठीक है, तो जब छिप जाता है तो जो ये लॉन्ग ये वाला जो है, जो ये टॉल का कैरेक्टर था, तो ये इसको पूरे पर्टिकुलर टर्म को क्या बोल देते हैं, टॉल। ठीक है, क्या बोल देते हैं, टॉल। ओके, तो जो डोमिनेंट के कारण रिसेसिव का कैरेक्टर है वो हिडन हो जाता है। ओके, तो इसको क्या बोल देते हैं, टॉल। इतना समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है आपको F1 जनरेशन। ठीक है, अब देखिए F1 जनरेशन क्या होता है। तो जो F1 जनरेशन होता है इसमें देखिए F1 जनरेशन कैसे होता है। सबसे पहले टॉल ले लिया मैंने, फिर उसके बाद डॉर्फ ले लिया। ठीक, इसमें से कैरेक्टर निकाल लिए 1-1 का। ठीक है, फिर जब इनके बीच क्रॉस कराया तो मुझे एक ये प्रोजेनी मिला। ठीक है, तो इस प्रोजेनी को जो पहला प्रोजेनी मिला F1 जनरेशन, मतलब फर्स्ट जो जनरेशन मिलती है उसे क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। ठीक है, इस पूरे को क्या बोलेंगे, टॉल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ये कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है और ये क्या है, रिसेसिव। ठीक है, तो डोमिनेंट के कारण रिसेसिव जो हो जाता है, हिडन हो जाता है, तो इसे क्या बोलते थे, पर्टिकुलर लॉन्ग कैरेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, ड्वार्फ वाला क्या हो गया, हिडन हो गया। राइट, तो इसको क्या बोला गया, F1 जनरेशन। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट दे रखे हैं उसी टर्म में, जेनेटिक टर्म में 2 पॉइंट अभी लेफ्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है होमोजाइगस। ठीक है, तो जो होमोजाइगस होता है वो देखिए क्या होता है, सिमिलर कैरेक्टर इज कॉल्ड होमोजाइगस। ठीक है, तो जो सिमिलर कैरेक्टर होंगे उन्हें क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। जैसे एग्जांपल दे रखा है कैपिटल टी और या फिर स्मॉल टी। ठीक है, तो कैपिटल टी को हमने क्या बोला था, टॉल, एंड स्मॉल टी को क्या बोला था, डॉफ। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर कैरेक्टर है, मतलब ये भी कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी है, ये भी स्मॉल टी है, ये भी स्मॉल टी है। ठीक है, तो ये होगा सिमिलर कैरेक्टर। तो इस वर्ड को क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि जो हेटरोजाइगस होता है वो क्या होता है, तो डिससिमिलर कैरेक्टर्स को हेटरोजाइगस। ठीक है, तो जो हेटरोजाइगस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, तो इसको क्या बोला गया, इसको क्या बोला गया, टॉल। ठीक है, क्या बोला गया, टॉल। भले मतलब टॉल तो बोलेंगे, लेकिन इसमें क्या है, मिक्सिंग कैरेक्टर है, एक हिडन है, एक शो ऑफ हो रहा। ठीक है, उसके बाद इसे क्या बोला गया, पिंक। क्या बोला गया, पिंक। ठीक है, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, इसमें भी एक हिडन है बट क्या है, मिक्सिंग है। राइट, तो इसे क्या बोला गया, हेटरोजाइगस। ये कैरेक्टर समझ में आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद नाउ वी आर कमन नेक्स्ट टॉपिक, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो अब ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, जो जेनेटिक्स जिन्होंने दिया, तो उसके बारे उनके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है, क्या उनका, कब उनका बर्थ हुआ था। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड मेंडल वाज बॉर्न इन सिलेशन इन ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, जिन्होंने जेनेटिक्स टर्म दिया था, तो मेंडल जो थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, ऑस्ट्रिया के सिलेशन में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, ऑस्ट्रिया के सिलेशन में। ओके, एट द एज ऑफ 21 ही ज्वाइन मोनेस्ट्री एट स्ट्रॉन्थम थॉमस एट ब्रून। ठीक है, तो जो ब्रून जो शहर था वहां पर उन्होंने 21 एज में मोनेस्ट्री ज्वाइन करी। ठीक है, मोनेस्ट्री ज्वाइन करी। नेक्स्ट, एट द एज ऑफ 25 ही बिकम प्रेस्ट इन मोनेस्ट्री। जो मतलब जो मोनेस्ट्री उन्होंने ज्वाइन करी थी, तो उसमें ये 25 ईयर तक, मतलब जब 25 ईयर उनकी एज थी तब वो प्रेस्ट बन गए थे। ठीक है, क्या बन गए थे, प्रेस्ट। उसके बाद इन 1851 ही वेंट वीना यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद 1851 में वो कहां गए थे, वीना यूनिवर्सिटी। ठीक है, कहां गए थे, वीना यूनिवर्सिटी। देन फॉर स्टडी ऑफ नेचुरल साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड मैथ। जहां पर जो नेचुरल साइंस है उसके उसमें क्या क्या आता था, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड मैथ। तो यहां पर उन्होंने इन सब चीजों की स्टडी करी, किसकी, फिजिक्स की, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की एंड मैथ की। ओके, किन्होंने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ओके, नेक्स्ट, हिज वर्क अन रिमेन नोटिस फॉर 34 ईयर बिकॉज, मतलब उन्होंने इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो कितने ईयर चला था, 34 ईयर। कितना ईयर, 34 ईयर। उसके बाद जो 34 ईयर उन्होंने चलाया था, तो जब उन्होंने यूज किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी, जैसे कि ये पॉइंट वाइज मैंने नोट कर रखा है। देखिए, ही कुड नॉट प्रूव्ड द सेम रिजल्ट ऑन द हिरेशियम प्लांट सेंड बाय नगेली। मतलब जो उन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल के फ्रेंड्स थे, ठीक है, उनका नाम क्या था, नगेली।
क्या नाम था, नगेली, उन्होंने एक हेरेशियम प्लांट दिया उन्हें, ठीक है, किसको, ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो जब ग्रेगर जॉन मेंडल को जो प्लांट्स दिया तो उन्होंने, तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने तो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो जो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करके जो वो प्रूफ कर देते थे वो हेरेशियम प्लांट पे प्रूफ नहीं कर पाए, ठीक है, किसने दिया था, नगेली ने, ठीक है। तो जब नगेली ने हेरेशियम प्लांट दिया तो वो उस पर प्रूफ नहीं कर पाए अपना जेनेटिक्स का, ठीक है। तो इस कारण उन्होंने ये नहीं मतलब प्रूफ कर पाए, ठीक है। उसके बाद इसे क्या बोलते हैं, हेरेशियम प्लांट को एक और नाम क्या होता है, एट नोन एज अ बीन प्लांट, ठीक है, क्या बोलते हैं, बीन प्लांट। उसके बाद कुछ मतलब ये रीजन हो गया, पहला रीजन समझ में आ गया कि जो हेरेशियम प्लांट उन्होंने दिया था तो उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, बायोलॉजिस्ट माइंड इज बिजी इन डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो जो बायोलॉजिस्ट थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, वो किसकी तरफ चल रहे थे, जो डार्विन थ्योरी थी उन्होंने इवोल्यूशन दिया था तो उस उनकी तरफ सभी लोग ध्यान दे रहे थे, इनकी जो एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे तो इनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है। तो इसके कारण इनका एक्सपेरिमेंट 34 ईयर तक चला, मतलब 34th ईयर तक वो एक्सपेरिमेंट करते रहे लेकिन उनपे कोई किसी ने भी फोकस नहीं किया। पहला रीजन समझ में आ गया, फिर दूसरा रीजन क्या था, डार्विन थ्योरी पे फोकस कर रहे थे जिसके कारण इन पे कोई फोकस नहीं कर पाया, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क। उसके बाद देखिए जो मतलब जो उनके मेंडल के जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी कुछ, ठीक है, तो प्रॉब्लम आई थी उसको क्लियर करने के लिए ये तीन साइंटिस्ट आए थे, कौन, फर्स्ट है ह्यूगो डी ब्रिज, नेक्स्ट कॉर्ल कॉलिंस एंड थर्ड क्या है, वॉन्स डी मार्क, ठीक है। कौन कौन से, ह्यूगो डी ब्रिज जो कि हॉलैंड में रहते थे, ठीक है, कहाँ रहते थे, हॉलैंड में। नेक्स्ट कॉर्ल कॉलिंस कहाँ पर रहते थे, जर्मनी में। देन वॉन्स डी मार्क कहाँ पर रहते थे, ऑस्ट्रिया में। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने इनके जो मतलब जो भी इनकी एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम आई थी उसे क्लियर करके और प्रूव किया, ठीक है। देखिए ह्यूगो डी ब्रिज जो थे हॉलैंड के, तो वर्कड ऑन अनथ्रा प्लांट, अनथ्रा लैमार्कियाना बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किसमें किया था, अनथ्रा लैमार्कियाना पे, ठीक है। उसके बाद कॉर्ल कॉलिंस जो कि जर्मनी में रहते थे, तो इन्होंने वर्क किसमें किया था, मेज प्लांट में, किसमें किया था, मेज प्लांट में। देन वॉन्स डी मार्क जो कि ऑस्ट्रिया में रहते थे, उन्होंने वर्क किसमें किया, ऑर्नामेंटल प्लांट में, किसमें किया, ऑर्नामेंटल प्लांट में। इम्पोर्टेंट है आपके 12th के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और नीट के एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नाउ वी आर कम ऑन अ नेक्स्ट टॉपिक। देखिए लिखा हुआ है मेंडल वर्क्स ऑन 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो क्वेश्चन आता है कि जो मेंडल है उन्होंने कितने पेयर ऑफ कैरेक्टर पर वर्क किया, तो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, राइट। अब वो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर जान लेते हैं क्या कौन से हैं। फर्स्ट सीड शेप, पॉड शेप, फ्लावर कलर, सीड कलर, पॉड कलर एंड फ्लावर पोजिशन एंड स्टेमाइट, ठीक है। कैसे याद रख सकते हैं, टू शेप है, शीट शेप और पॉड शेप एंड थ्री कलर है, फ्लावर कलर, शीट कलर, पॉड कलर, ठीक है, इतना लर्न हो गया। देन फ्लावर पोजिशन एंड स्टेमाइट, ठीक है, ये हो गया 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पहले नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको हेडिंग मिली है कि मेंडल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, ठीक है। तो जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के लिए जो मटेरियल लिया था क्या क्या लिया था, ये देखिए, मेंडल सिलेक्टेड गार्डन पी, दे आर एडिबल पी, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो पाइसम सटाइबम होता है, ठीक है, क्या होता है, पाइसम सटाइबम, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पाइसम सटाइबम फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किस प्लांट्स का यूज किया था, गार्डन पी का, एंड जिसका नाम क्या है, पाइसम सटाइवम, ओके, ये हो गया एक्सपेरिमेंट मटेरियल। नेक्स्ट अब देखिए जो गार्डन पी है तो इसको क्यों सेलेक्ट किया, एडिबल पी मतलब जो स्वीट पी होती है तो इसको क्यों यूज किया, तो देखिए यहाँ पे लिखा है बिकॉज फ्लावर आर बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मीन्स डबल कैरेक्टर होते हैं मेल एंड फीमेल, ठीक है, डबल कैरेक्टर होता है तो इसे बाइसेक्सुअल बोल दिया। फिर उसके बाद बर्ड पॉलिनेशन, मतलब जो पॉलिनेशन होता है वो कैसा होता है, बर्ड से होता है, ओके, एंड सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जो पॉलन होते हैं उन्हें
दूसरे नेक्स्ट प्लांट पे जाने की जरूरत नहीं होती, तो वो उसी में सेल्फ में ही पॉलिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। देन अकर्स सेम कैरेक्टर आर मेंटेन फॉर मैनी टाइम, तो ये सारे जो कैरेक्टर है वो बहुत टाइम तक मेंटेन रहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पी प्लांट आर स्मॉल एंड एनुअल एंड देयर लाइफ साइकिल इज 2 to 3 months, ठीक है। इसको देखिए, जो पी प्लांट होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है। एनुअल मतलब बहुत, मतलब पूरे साल में उगाया जा सकता है, ठीक है। एंड लाइफ साइकिल इसकी कितनी होती है, 2 to 3 months में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो मतलब पूरे साल में कई बार इसको उगाया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर अपोजिंग कैरेक्टर एंड वन डोमिनेट अनदर रिसेसिव, मतलब इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं जिसमें कि वन जो होते हैं वो कैसा होता है, डोमिनेट होता है, अनदर कौन सा होता है, रिसेसिव, ठीक है। जो कि इफेक्टिव होता है, जो डोमिनेट होता है वो इफेक्टिव होता है, ठीक है, और शो ऑफ होता है, जबकि रिसेसिव जो होता है वो कैसा होता है, हिडन होता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आपका देख लेते हैं, पी प्लांट इजली कल्टिवेटेड, जो पी प्लांट होता है वो कैसा होता है, इजली कल्टिवेटेड होता है, मतलब कुछ खास उसमें केयरिंग नहीं है, जरूरत होती है, ठीक है, तो इजली कल्टिवेटेड होता है। देखिए स्मॉल होता है मतलब उनमें ज्यादा सी जो एरिया है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, तो स्मॉल होता है, स्मॉल में ही अच्छे से ग्रो हो पाता है, ठीक है, इसलिए ये सारे कैरेक्टर उनमें पी प्लांट में मिलते हैं, इसलिए उसको इन्होंने सेलेक्ट किया, ओके। नेक्स्ट मेंडल प्रोसेस, तो जो मेंडल प्रोसेस होती है उसके देख लीजिए, तो जो मेंडल जो प्रोसेस होती है उसमें जो जीनोटाइप एंड फीनोटाइप होता है उसमें कुछ आपको न्यूमेरिकल टाइप्स बनते हैं, ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल होता है उसमें आपको गैमेट निकालने होते हैं, ठीक है, क्या निकालने होते हैं, गैमेट। देखिए तो जो इस टाइप का आपको क्वेश्चन आता है कि अगर हमें हेटरोजाइगस निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ हेटरोजाइगस, मैंने बताया था कि 2 mixing कैरेक्टर होते हैं, एक डोमिनेंट होता है एंड एक रिसेसिव होता है, ठीक है, तो 2 mixing कैरेक्टर्स कॉल्ड क्या, हेटरोजाइगस, ओके। देखिए यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें बताइए हेटरोजाइगस कितने कैरेक्टर है, एक वन हो गया ये ए वाला, नेक्स्ट बी वाला, ठीक है, सी वाला तो ऑल है ना, मतलब टॉल है, जैसे कि ये भी डोमिनेंट दे रखा है, ये भी डोमिनेंट दे रखा है, ठीक है, तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, होमोजाइगस है, ठीक है, ये क्या है, हेटरोजाइगस, तो हेटरोजाइगस कितने हैं, 2 है, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला आपका 2 की पावर n। अब देखिए कि ये n की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक ये एक ये, मतलब 2 दे रखी थी, ठीक है, n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, तो नंबर ऑफ हेटरोजाइगस कैरेक्टर इज 2, ठीक है, n इज इक्वल टू 2, अब n की जगह मैं क्या रख देती हूँ, 2, ठीक है, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू व्हाट, 4, तो 4 गैमेट्स हमको गेन हो जाते हैं, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, निकाल लेंगे आप। एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे कि ये हो गया हेटरोजाइगस कैरेक्टर, मैंने अभी पहले पढ़ाया था आपको, तो ये हो गया हेटरोजाइगस कैरेक्टर, तो इसमें हेटरोजाइगस आपको देखना है, तो हेटरोजाइगस कैरेक्टर कितने हैं यहाँ पर, 2, ओके, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है, जबकि ये क्या है, होमोजाइगस कैरेक्टर, ठीक है, तो हेटरोजाइगस कैरेक्टर में जब 2 आ गया तो 2 की पावर 2 रखेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर जब 2 रखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गैमीट आपको मिल जाएंगे, राइट। ये हो गया जीनोटिपिक निकालने का, ठीक है, जो मेथड है वो जीनोटिपिक निकालने का मेथड हो गया। नेक्स्ट आते हैं फीनोटिपिक, ठीक है, इसमें केवल सिंगल कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है, इसमें डबल कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। देखिए फीनोटिपिक कैरेक्टर को कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसमें देखिए पहले हमने ले रखा है मोनोहाइब्रिड के, मोनोहाइब्रिड आगे हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड मतलब एक कैरेक्टर, डायहाइब्रिड मतलब 2 कैरेक्टर, ठीक है, तो जब 1 कैरेक्टर इन्वॉल्व होगा तो n इज इक्वल टू 1 लेंगे, जब 2 कैरेक्टर के लिए हम बात करेंगे तो n इज इक्वल टू 2 लेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 लेके यहाँ पर 1 रख के देखते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना 3:1 n, अब हम n की जगह 1 रख के देखेंगे, तो n की जगह जब 1 रखते हैं तो इसका रेशियो क्या आता है, मतलब जब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं तो क्या आता है, 3:1, तो मोनोहाइब्रिड का क्या आ गया रेशियो, 3:1 आता है, ठीक है, इतने हमें गैमेट मिलते हैं, 3:1, ओके। उसके बाद जब हम डायहाइब्रिड के लिए निकालते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए निकालते हैं, तब वहां पर हमें इक्वल टू 2 रखना पड़ता है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो जब हम 3:1 की पावर 2 रखते हैं, फिर उसके बाद जब इसमें क्रॉस कराते हैं, देखिए यहाँ 3:1 ले लिया, यहाँ 3:1 ले लिया, ठीक है,
अब इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जैसे 3 का मल्टीप्लाई मैंने 3 पे किया तो क्या आया 9, ओके। फिर 3 का मल्टीप्लाई मैंने 1 पे किया तो क्या आया 3, ठीक है, 3 1 3, ओके। अब इसका मल्टीप्लीकेशन दोनों में हो चुका, अब इसको हम स्टॉप हिडन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है, तो 1 3 3, ठीक है, 3 आ गया ये। फिर उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा 1। तो इस तरीके से आपका रेशियो क्या आ जाता है, 9:3:3:1। ये क्या है रेशियो, किसका है, डायहाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या आता है 3:1, एंड डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या आता है 9:3:3:1, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। तो आपको जीनोटाइप निकालना है तो आप ये फॉर्मूले का यूज करेंगे, अगर आपको फिनोटाइप निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। अगर मोनोहाइब्रिड के लिए निकालना है तो आप 1 रखेंगे एन की वैल्यू, और अगर डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए निकालना है तो आप एन की वैल्यू क्या रखेंगे 2, ठीक है। ये आपका मेंडल प्रोसेस हो गया, इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल आता है, इस तरीके से आपको गैमेट निकालने को देता है, तो इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया मेंडल प्रोसेस, आपका कम्प्लीट हो चुका है। तो इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।